आज साइफर केस के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत बाद गिरफ्तारी की समाअत थी। गुज़िश्ता तारीख पे इस्तगासा को नोटिस जारी कर दिए गए थे और आज उन्होंने दलाइल पेश करने थे, लेकिन आज जैसे ही वो पेश हुए उन्होंने दरख्वास्त गुजारी है कि इसकी इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए, जिस पे जनाबी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पहले हम दरख्वास्त जमानत के दलाइल सुनने से पहले इस चीज़ पे फैसला कर लेते हैं कि आया कि इनके इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी या ओपन कोर्ट के अंदर होगी। क्योंकि जब भी इमरान खान की दरख्वास्त जमानत की या किसी भी केस की समाअत होती है तो बहुत ज़्यादा तादाद में वकला आते हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं। अब इस वक्त इमरान खान जेल में, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वकला कोर्ट रूम के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कि यह उज़र तराशा गया कि ये सीक्रेट कोर्ट का मामला है, सीक्रेट एक्ट का मामला है और यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं, वकला मौजूद हैं। तो अभी पहले तो सीक्रेट एक्ट के हवाले से पहले इन कैमरा प्रोसीडिंग या ओपन कोर्ट का फैसला होगा, फिर उसके बाद दरख्वास्त जमानत के हतमी दलाइल होंगे।